नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू क्रिएट आवर फर्स्ट ट्रिगर लेकिन दिस वे अराउंड क्योंकि अब हमने इतना कोड कर लिया है कि नाउ यू कैन इजली राइट द पी एल एस क्यू एल प्रोग्राम सो लेट्स राइट द ट्रिगर बट दिस वे अराउंड विद्प ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट सो जस्ट लुक एट द प्रॉब स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यू नीड टू राइट अ ट्रिगर टू स्टोर द प्रीवियस वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट इफ देयर इज अ चेंज इन एनी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी एक फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट करेंगे एक प्रोडक्ट का टेबल है जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है प्राइस जब भी प्राइस की वैल्यू चेंज हो रही है यू नीड टू स्टोर द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑल्सो जस्ट लाइक हिस्ट्री टेबल हिस्ट्री टेबल शुड बी मेनटेन टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस वैल्यूज जस्ट लाइक अ शेड्यो टेबल तो बेसिकली आपका एक प्रोडक्ट का टेबल है जिसके अंदर आपके पास उस प्रोडक्ट की करंट प्राइस पड़ी हुई है बिल्कुल प्रोडक्ट के टेबल की आपके पास एक कॉपी पड़ी हुई है जिसको हम शेडो टेबल बोल रहे हैं या हिस्ट्री टेबल बोल रहे हैं उसके अंदर प्रीवियस वैल्यूज ऑफ द प्राइस पड़ी होंगी जब भी कोई अपडेट की कमांड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बेसिकली हमने एक ट्रिगर लिखना है जो उस वक्त कॉल होगा जब भी कोई आपकी प्राइस का कॉलम या जो प्रोडक्ट का टेबल है उसके अंदर प्राइस का कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको का ट्रिगर को ऑटोमेटिकली फायर होना है सो लेट अस ट्राई टू राइट द फर्स्ट वेरी सिंपल ट्रिगर सो जस्ट लुक एट कोड पहले मैंने टेबल क्रिएट कर दिया क्रिएट टेबल प्रोडक्ट उसके अंदर चार मेरे पास एट्रीब्यूट हैं प्रोडक्ट आई है प्रोडक्ट अंडर स्कोर नेम है सप्लायर नेम है एंड यूनिट प्राइस है ये मैंने टेबल क्रिएट कर दी है उसके बाद मैंने एक टेबल क्रिएट किया प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर हिस्ट्री ये आपकी बेसिकली हिस्ट्री टेबल है ये कॉपी टेबल है यानी ये एक टेबल है इसका शेडो मैंने यहां क्रिएट कर दिया यानी दो टेबल क्रिएट हो गए एक हमारे प्रोडक्ट का टेबल है और एक हमारे पास प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर हिस्ट्री का टेबल है तो दो टेबल हमारे पास क्रिएट हो गए लेट अस नाउ सी द ट्रिगर अब ट्रिगर ये कह रहा है कि रिएट और रिप्लेस ट्रिगर जो हमने डिस्कस किया था प्राइस अंडरस्कोर हिस्ट्री अंडरस्कोर ट्रिगर ये नाम ऑफ अ ट्रिगर है बिफोर अपडेट ऑफ यूनिट प्राइस अभी एक कॉलम का नाम है ऑन प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट के टेबल में जब भी यूनिट प्राइस के कॉलम में चेंज करना है बिफोर अपडेशन लुक अराउंड हेयर बिफोर अपडेशन ऑन दिस कॉलम ऑफ दिस टेबल यू नीड टू राइट दिस ट्रिगर यानी ये ट्रिगर उस वक्त कॉल होगा जब प्रोडक्ट टेबल के यूनिट अंडरस्कोर प्राइस वाले कॉलम को हम चेंज करेंगे एंड दिस तो ट्रिगर वुड बी अ रो लेवल ट्रिगर यानी अगर यूनिट प्राइस की वजह से छह रोज इफेक्ट हुई हैं तो यह ट्रिगर छह मरतबा चलेगा ये इस फॉर ईच रो का मतलब है और हम बिगिन में क्या कर रहे हैं इंसर्ट सर्ट इन टू प्रोडक्ट अंडर स्कोर प्राइस अंडर स्कोर हिस्ट्री ये हमारा हिस्ट्री टेबल था जो मैंने अभी देखा

वो हम एक्सेस कर सकते हैं एंड दिस इज अ वे टू एक्सेस द प्रीवियस वैल्यू ओल्ड के कीवर्ड से न्यू के कीवर्ड अगर हम यूज करेंगे तो यू विल वी विल गेट द करंट वैल्यू अगर ओल्ड का कीवर्ड यूज करेंगे वी विल गेट द ओल्ड वैल्यू मतलब इसका ये है कि जब ये ट्रिगर फायर होगा और यूनिट इंडरस प्राइस का कॉलम अपडेट होगा तो इस बिफोर की वजह से वी विल बी एबल टू रिट्रीव द प्रीवियस वैल्यूज बिफोर अपडेट इंटू बाई एक्सेसिंग द नेम ऑफ द टेबल कॉलम विद द हेल्प ऑफ कॉलन ओल्ड यानी जिस भी टेबल के कॉलम के साथ हम कॉलन ओल्ड लिख देते हैं उसका मतलब है कि वी आर रेफरिंग टू द प्रीवियस वैल्यू हिस्ट्री वैल्यू यानी जो वैल्यू ने रिप्लेस होना है यानी नई वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल एट और एग्जिस्टिंग वैल्यू है नाइन तो नाइन ने रिप्लेस होना है एट के साथ तो ओल्ड अगर हम लिख देंगे ओल्ड डॉट यूनिट प्राइस तो ओल्ड में आ जाएगा नाइन क्योंकि वो नाइन अब चेंज हो जाना है जिस वैल्यू से चेंज होना है वो है एट और एट को हम एक्सेस कर सकते हैं कॉलन न्यू के साथ जो हम लोग अभी नहीं कर रहे क्योंकि तो हमारी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम बेसिकली प्रोडक्ट अंडर स्कोर प्राइस अंडर स्कोर हिस्ट्री में प्रीवियस वैल्यूज स्टोर करने जा रहे हैं जो कि प्रोडक्ट के टेबल में हम गेट कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ कॉलम नेम अब ये हमारे ट्रिगर की डेफिनेशन है एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉन सो लेट सी के मैं अगर डी एम एल एग्जीक्यूट कर दू तो फिर क्या होगा इफ आई फायर दिस डीएमएल अपडेट प्रोडक्ट सेट यूनिट अंडर स्कोर प्राइस इज इक्वल टू एट हंड्रेड वेयर प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल टू वन मैंने तीन चार रोज ऑलरेडी इंसर्ट कर दी है ताकि यू गाइड शुड बी एबल टू तो सी द इंपैक्ट अब प्रोडक्ट जो आईडी है दिस इज बेसिकली आवर प्राइमरी की तो जब ये अपडेट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो एट मैक्स जो ये जो ट्रिगर है वो एक मरतबा फायर हो सकता है या नहीं हो सकता तो फॉर ईच रो से मुराद ये है ये थी कि जितनी मरतबा अपडेट की वजह यानी अपडेट की वजह से जितनी नंबर ऑफ रोज इफेक्ट हुई हैं उतनी मरतबा वो ट्रिगर ने एग्जीक्यूट होना है यहां पे क्योंकि हमने प्राइमरी की का चेक लगा दी है तो हमें ये पता है कि ये जो अपडेट है एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक रो इफेक्ट कर सकती है यानी सिर्फ प्रोडक्ट आई डी वन की जो यूनिट प्राइस है उसको हम चेंज कर रहे हैं इफेक्टिवली तो एक मतबा यह ट्रिगर फायर होगा उसके बाद हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या वाकई ही हमारा आ, हिस्ट्री टेबल में कुछ पॉपुलेट हुआ है तो उसके लिए ये हमारे पास क्यूरी है एंड दिस इज अ वे टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डाटा डिक्शनरी यूजर अंडर स्कोर सो नाउ लेट एस ट्राई टू इंप्लीमेंटेड हम एक एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है सो नाउ आई एम हेयर इन माई एडिटर लेट मी डी कैटर मैं रिमूव कर लूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट के टेबल क्रिएट कर लिया था लेट सी वॉट डाटा वी हैव इस डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट एंड लेट सी इसमें ऑलरेडी रोज पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई तो प्रोडक्ट के टेबल में ऑलरेडी मैंने कुछ तीन रोज इंसर्ट में खड़े कर दी थी तीन रोज़ हैं एंड लेट मी सी के हमारे पास जो ये टेबल है प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर हिस्ट्री उसमें क्या डाटा पड़ा हुआ है प्रोडक्ट अंडर स्कोर प्राइस अंडर स्कोर हिस्ट्री लेट सी इसमें क्या डाटा पड़ा हुआ है अगर कोई तो डाटा है तो सो लेट सी इसमें एक रो मौजूद है सो लेट मी क्लीन दिस डाटा डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट अंडर स्कोर प्राइस अंडर स्कोर हिस्ट्री सो बेसिकली ये वो शेडो टेबल है जिसके अंदर प्रीवियस वैल्यूज हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी तो so ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया डिलीट हो गई रोज नाउ लेट मी क्रिएट दिस ट्रिगर फॉर यू ओके सो लेट मी ब्रिंग बैक दिस ट्रिगर ये हमारा पहला ट्रिगर है लेकिन ये खासा कॉम्प्रीहसिव है सो so, मैं अब इसको यहां पे लिखा एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस ट्रिगर जब मैं इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट किया तो लेट सी व्हाट आई विल गेट मैसेज आ गया ट्रिगर क्रिएटेड अब ये ट्रिगर के आउटपुट कोई नहीं आई ऑब्वियसली क्योंकि मैंने कोई डी लिखा ही नहीं था अगर ट्रिगर की बॉडी में डी लिख देते तो आउटपुट आ जाती सो नाउ इट्स द एक्शन टाइम कि मैं अब एक अपडेट की कमांड इशू करने लगा लगाऊं एंड लेट सी कि इस अपडेट की वजह से क्या इफेक्ट होता है इस अपडेट की वजह से हिस्ट्री का जो टेबल है उसमें एक रिकॉर्ड ऐड होना चाहिए टू मेक श्योर के ट्रिगर सक्सेसफुली चल गया पहले अपडेट को चलाते हैं एंड लेट सी वॉट इट विल गेट वन रो इज अपडेटेड इसका मतलब है कि एक रो अपडेट तो हो गई है एंड नाउ लेट्स वेरीफाई क्योंकि हमने ये कहा था कि जब भी कोई रो अपडेट होगी तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर हिस्ट्री के टेबल में एक रो ने ऐड होना है यानी नई वैल्यू है 800 हंड्रेड प्रोडक्ट आई डी की सो तो जो करंट वैल्यू है वो हमारे पास हिस्ट्री टेबल में आनी चाहिए यानी हिस्ट्री टेबल में हमारे पास कोई ना कोई एंट्री होनी चाहिए सो लेट सी प्रॉपर लेट्स कि हमारे पास हिस्ट्री टेबल में कोई एंट्री हुई है कि नहीं हुई सो दे वी हैव अ हिस्ट्री टेबल एंट्री प्रोडक्ट आई डी वन प्रोडक्ट नेम हार्ड डिस्क

वैल्यूज आ गई है अब यहां देख लें कि प्रोडक्ट आईडी में आ गया वन प्रोडक्ट नेम में आ गया हिस्ट्री सप्लायर नेम में आ गया आई और यूनिट प्राइस में आ गया एट हंड्रेड मतलब जो वैल्यू मैंने चेंज की है वो मेरे पास यहाँ पे यानी जो ये वाला टेबल है इट इज एक्टिंग लाइक अ हिस्ट्री टेबल जब भी मैं मेन टेबल में इंसर्ट कोई अपडेट करूंगा यानी इस इस टेबल में कोई अपडेट करूंगा आई विल गेट द वैल्यू हेयर ऑल्सो शेलो टेबल है यानी अपडेट में कर रहा हूं प्रोडक्ट के टेबल में लेकिन उसकी वैल्यू मेरे पास यूनिट प्राइस जो जो चेंज हो रही है वो मेरे पास हिस्ट्री वाले टेबल में ऑटोमेटिकली आई जा रही है दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द ट्रिगर ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो रहा है इस अपडेट की क्यूरी की एग्जीक्यूशन पे और ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जो हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं